हाय फ्रेंड्स, मैं केएल मल्होत्रा, बहुत बहुत स्वागत आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल केएलएम कीबोर्ड प्रैक्टिस पर। आज हम लता जी का गूंज उठी शहनाई फिल्म में गाया हुआ गाना तेरे सुर और मेरे गीत, ये गाना आज हम तैयार करेंगे। तो इस गाने में जो सुर लग रहे हैं वो सारे शुद्ध हैं, पर माँ के साथ एक माँ तीव्र भी है। तो ये सारे सुर लग रहे हैं, माँ के साथ माँ तीव्र है, बाकी सारे शुद्ध हैं, तो ये यमन कल्याण राग बनता है। तो ठीक है, इसको हम शुरू करते हैं। मंद सप्तक में नी है, मध्य सप्तक में सा, हमने सी शार्प को ही सा मानकर सी शार्प मेजर स्केल पे ये लगाया है, सा रे गा माँ, फिर तीव्र माँ भी है, पा धा नी, तार सप्तक में सा रे और गा। तो ये सब सुर लगेंगे और इसको हम म्यूजिक पार्ट के साथ करेंगे। तो सीधा ही नोटेशंस के साथ स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं। तो पहले इसका प्रिल्यूड, प्रिल्यूड में शुरू होता है मध्य सप्तक के पास है, थोड़ा ठहराव, फिर माधा पा तीव्र माँ के साथ, पहले फिर दो बार माधा पा आएगा हल्के से गैप के बाद, तो ये तीव्र माँ गा, फिर शुद्ध माँ गा, माँ गा माँ गा, पा माधा पा माधा पा मागा मागा। अगली लाइन है धा, धा नी सा नी, धा थोड़ा सा ठहरा, फिर नी सा, फिर हल्का सा ठहरा, फिर नी, फिर में सा नी पा धा पा, फिर देखते हैं धा नीसा नी सानी पाधा पा। इसके बाद है आलाप, तो आलाप जो है वो गा से शुरू हो रहा है मध्य सप्तक के, गा पा सा, तो आ ऐसे गा पा सा, उसके बाद पानी सा गा रे, पानी सा गा रे, पा नी सा गा रे। इसके बाद तीन हैं, ये पहला है नीरे सारे नी, फिर इसके जैसा ही है माधा पाधा मा, इसके जैसा ही है गापा मापा गा, तो ये तीनों मिलते हैं, तो इसीलिए आसान है समझना भी और बजाना भी। फिर देखते हैं पानी सागा रे आ, उसके बाद आ आ आ आ आ, इस तरह से के बाद फिर आलाप खत्म हो जाता है। फिर छोटा सा म्यूजिक है नी से, नीसा नीपा, फिर मा, फिर गामा गारे सा, गामा गारे सा। तो ये म्यूजिक पार्ट स्टार्ट का जो है ये कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं हम मुखड़ा पर, तेरे सुर और मेरे गीत। पहली लाइन है तेरे सारे नी, तेरे सुर और सारे नी सा गा, तेरे सुर और मेरे गीत, मे रे, मे तो तीव्र माँ पर आएगा, रे
पा मा गा मा, पा तीव्र मा गा मा शुद्ध, इस तरह से आएगा तेरे सुर मेरे गीत, गीत जो है वो गा पर आएगा। अगली लाइन चलते हैं, दोनों दो गामा दो नो, नो के लिए पासा नीसा, नो मिलकर धापा, दोनों मिलकर बनेगी, बने पा मा तीव्र गी, ये वैसे ही है जैसे पहले था पामा गामा गी, ये बहुत यूज होगा, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस। यहां फर्क ये है कि बने गी प्री, दूसरी लाइन में जो है वो पा पर उठाकर थोड़ा खत्म होती है लाइन, बनेगी प्री, तो प्री तो पा पर खत्म होगा। तो आई थिंक समझ आया, एक बार फिर देख लेते हैं, तेरे सुर और मेरे गीत दोनों मिलकर बनेगी प्री। तो फ्रेंड्स इसके बाद अब आते हैं इंटरल्यूड पर। इंटरल्यूड में जैसे तेरे सुर और, तो ऐसे ही इसी के ऊपर है, तेरे सुर और मापा मापा, तेरे सुर और मेरे गीत, मा पा मा गामा गा मेरे गीत। तो पहली लाइन ऐसे है, मापा 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 मा गा मा गा। फिर जो अगली लाइन है वो थोड़े नोट्स ऊपर चले जाते हैं लेकिन बात वही है। तो यहां भी तेरे सुर और मेरे गीत, नीसा नीसा नी सा नी पा धा पा, नी सा नी पा धा पा। तो अब नेक्स्ट पार्ट है अंतरा, अंतरे पर चलते हैं। धड़कन में तू है समाया हुआ, तो मापा धड़कन में तू है मापा पा मापा। अब यहाँ दूसरे वाले में तीव्र मा है, धड़कन शुद्ध मा के साथ, में तू है तीव्र मा के साथ, धड़कन में तू है समाया समा पा मा समाया, या के लिए पामा गा या हुआ, हुआ के लिए मा गा शुद्ध मा के साथ। तो धड़कन में तू है समाया हुआ, समाया हुआ के बाद छोटा सा आलाप है तो वो है तो समाया हुआ आ आ आ आ, आ। पहले बापा धा फिर पामा गामा, वही पामा गामा जो बहुत यूज हो रहा है, छोटा सा ठहराव, तो ये छोटा सा आलाप है और फिर वही धड़कन में तू है समाया हुआ, वही लाइन चलेगी। फिर ख्यालों मा धा धा, ख्यालों में तू, में तू धामा, ख्यालों में तू ही तू, फिर धा धा, ख्यालों में तू ही तू, छाया हुआ छा धानी छाया हुआ, धानी सानी धा नी पा,
दुनिया के मेले में लाखों मिले, तो ये तीव्र मां के साथ, दुनिया के मेले पा मापा में, दुनिया के मेले में लाखों लाखों के लिए पानी धा, लाखों मिले मिले के लिए पामा, मगर गागा माँ, मगर तू तू के लिए पासा, तू ही के लिए सा, फिर तू नी पर, मगर तू ही तू, दिल को धापा, दिल को भाया, भाया के लिए मापा मागा, भाया हुआ, बिल्कुल जैसे पहले मुखड़े के अंडे में था, सॉरी, तो भाया भाया हुआ, तो फिर वही पा पे चले जाते हैं। अब प्रैक्टिकली यहाँ ख़त्म हो गया इसका अंतरा। अगली जो लाइन है वो मुखड़े वाली लाइन है, मैं तेरी जोगन तू मेरा मीत, वो वैसे ही है जैसे तेरे सुर और मेरे गीत, मैं तेरी जोगन तू मेरा मीत, दोनों मिलकर बनेगी प्रीत, तो ये वही है मुखड़े वाली। तो फ्रेंड्स आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।